यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. 2 tan inverse इस पे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. मींस इसने प्रूफ नहीं करना है बल्कि x का वैल्यू निकालना है. क्या क्वेश्चन है? 2 tan inverse cos x = tan inverse 2 cos x. राइट अब इसमें क्या करेंगे वो समझते हैं. सबसे पहले एक चीज समझिएगा, यहां पर 2 tan inverse है, यहां पर केवल tan inverse है. तो आप सिंपली पहले 2 tan inverse x का फॉर्मूला यूज कर लीजिए. दिस इज tan inverse 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर. तो आप इसको लिख सकते हैं tan inverse 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos square x इक्वल टू tan inverse 2 cos x. tan से tan inverse कैंसिल, तो एक तरह से 2 cos x अपॉन ये हो गया sin square x इक्वल टू 2 अपॉन sin x मिला आपको. एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से तो 2 कैंसिल, पर आप sin x कैंसिल मत करिएगा. तो sin x इंटू cos x इक्वल टू sin square x, क्योंकि हमें सॉल्यूशन निकालना है इसलिए कैंसिल मत करिए, अदरवाइज कर सकते थे. अब sin x आपने कॉमन लिया तो आपको मिला cos x माइनस sin x इक्वल टू 0. इसका मतलब sin x इक्वल टू 0 और cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, देन tan x इक्वल टू 1. तो x इक्वल टू π/4. अगर सिंगल सॉल्यूशन पूछा है और जनरल सॉल्यूशन बोला है तो ये tan π/4 लिख सकते हैं. दिस इज x इक्वल टू n पाई प्लस π/4. बट एक इम्पॉर्टेंट बात, sin x इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू आप बोल सकते हैं n पाई. x इक्वल टू आप बोल सकते हैं n पाई. अब बस ये देख लीजिएगा कि उस पर इसका रिजल्ट डिफाइंड होना जरूरी है. तो एक बार बताइए, जहां पर sin x 0 होगा वहां पे cos x क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट. क्योंकि अगर आप cos x पाई निकालेंगे तो वो फिर कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट. इसलिए ये वाला रूट पॉसिबल नहीं होगा. वैसे भी अपॉन में जब ऐसा लिखा हो a/b = c/b, तो b नॉट इक्वल टू 0 होता है. तो sin x कभी भी 0 नहीं होगा. ये तो आप दिमाग में बिठा लो, फंडामेंटली बिठा लो. तो इसका मतलब सेकंड फैक्टर ही आपका फाइनल आंसर होगा. राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे कि क्वेश्चन नंबर 14. और मैं फिर बोलूंगा आपको कि आप याद रखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और ध्यान दें तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ समरी भी होती है पूरे टॉपिक की. बस ये एक चीज को आपको फाइनल एग्जाम्स के पहले पूरा तैयार करना है, जिससे आप बोर्ड में बेस्ट परफॉर्म कर पाओ. देखो अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी एक्स फाइंड करना, प्रूफ नहीं करना. टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 टेन इनवर्स एक्स. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. अब क्या करेंगे? तो देखिए इसमें एक चीज हम यूज कर सकते हैं, चाहे तो 2 का हम बाद में ट्रांसफर भी कर देंगे. टेन इनवर्स ध्यान दीजिएगा 1 माइनस एक्स है, तो इसको 1 को हम लिख सकते हैं 1, जैसे tan इनवर्स x ये वाला फॉर्मूला यूज करिए. माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. तो क्यों ना जब उसका रिवर्स भी लिख सकते हैं, यहां पर आप 1 का मल्टीप्लाई मान लें. तो एक तरह से ये क्वेश्चन ऐसा कुछ हो गया. यहां पर देखिए इंप्लाइज लगेगा क्योंकि LHS RHS दोनों ले रहे हैं. ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x. राइट, इस tan इनवर्स x को यहां शिफ्ट कर दिया तो ये मिला tan इनवर्स 1. दिस इज π/4 इक्वल टू 3/2 tan इनवर्स x. राइट, तो ये कितना, ये कैंसिल 2 टाइम और ये 3 का भी डिवाइड हो गया. तो tan इनवर्स x इक्वल टू π/6 देन x इक्वल टू tan π/6 एंड दिस इज 1/√3 इज अ राइट आंसर. राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस ढंग से करेंगे वो बताता हूं मैं आपको. सबसे पहले क्वेश्चन समझे क्या है. साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 दिया है, मतलब एक्स का जो वैल्यू माइनस 1 से प्लस 1 है, तो इस पर टेन इनवर्स डिफाइंड होता है. और माइनस 1 से प्लस 1 पर आप अगर रिजल्ट देखेंगे तो माइनस π/4 से प्लस π/4, वो भी प्रॉब्लम नहीं है. अब यहां पर एक चीज हम समझें, तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, साइन में. तो इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स x, सिंपल क्वेश्चन है a, तो tan a इक्वल टू x, देन देयरफॉर देखिए ये हो गया x, ये हो गया 1, तो ये हो गया 1 प्लस x स्क्वायर. अगर मैं बोलूँ इसको साइन के टर्म में लिखो तो आप लिखते हैं साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, देन दिस इज साइन इंटू साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर.
ये दोनों कैंसिल, x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी डी इज अ राइट आंसर. राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स 1 एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, देन एक्स इक्वल टू. मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि गो फॉर ऑप्शन मेथड से तो कर ही सकते हैं इसको, 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा के, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई लगा के, बट आप इसकी जगह डायरेक्टली कर सकते हैं. जैसे अगर मैं जीरो पुट करूं तो साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 2, ये जीरो हो गया. अब आपने सपोज, तो इसका मतलब जीरो तो एक आंसर है. अब 1 बाय 2 पुट करके और देख लेते हैं. तो अगर आपने 1 बाय 2 पुट किया तो देखिए क्या होगा, ये होगा साइन इनवर्स 1 माइनस 1 बाय 2 इज 1 बाय 2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1 बाय 2, दिस इज पाई बाई 6 माइनस 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 6. राइट, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 6 हुआ और माइनस का है, तो ये पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 3, ये पाई बाई 2 नहीं हो रहा है. इसका मतलब 1 बाय 2 नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर विल बी, करेक्ट आंसर विल बी जीरो. अच्छा, 1 रखने पे ये माइनस पाई हो जाएगा, वो भी आंसर नहीं होगा. तो सी इज अ राइट आंसर. नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये ऑप्शन दिए. बहुत ही सिंपल तरीके से करना चाहें तो एक बताता हूँ आपको टेक्निक. इसको लिखो टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स का डिवाइड कर दो, वाई का डिवाइड कर दो बल्कि, तो ये जाएगा 1 माइनस वाई का डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी एक्स अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन वाई. राइट, जब आपने वाई का डिवाइड किया. अब इसको आप ऐसे ही रहने दें, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, और इसमें टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई अगर कभी भी दिया तो लिख सकते हो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई. तो आप इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस टेन इनवर्स 1, ब्रैकेट में क्लोज कर दो, ये दोनों आपस में कैंसिल, टेन इनवर्स 1 इज पाई बाई 4, देन आंसर इज पाई बाई 4, यानी सी इज अ राइट आंसर. राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन.